बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिलाए आपको संविधान के अंदर है, मगर सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको दिलाने का काम किया, वो वोटिंग का अधिकार दिलाने का काम किया। वोटिंग का अधिकार भारत से नहीं लिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, वोटिंग का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विदेश में जाकर पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो मात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे थे जो हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी गए क्योंकि उनको पता था, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी ने बॉयकॉट करने का काम किया, मतलब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हमारी बात रखी जाए। इस देश के बहुत सारे लोगों को हजारों सालों गुलाम बनाए रखा, उनको ना पढ़ने का अधिकार था, कोई अधिकार नहीं था उनको, मात्र आप लोग इंसान होकर भी इंसान नहीं थे, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अधिकार देने के बाद जब लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता था कि जो मिस्टर गांधी हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सारे जितने भी अच्छे संविधान थे उनको पढ़कर गए। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़कर गए तो गांधी क्या करके गए थे, गांधी नरसी का भात, कथाएं और गंगा जल लेकर गए थे। कहां रुकने वाले थे, कहां टिकने वाले थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी लड़ाई लड़ी और हमको वोटिंग का अधिकार दिलाया। वो वोटिंग का अधिकार आपको राजा बनाने का काम करता है। आपके पास सबसे ताकतवर कौन सी चीज है, डॉक्टर अम्बेडकर आपको वोटिंग का अधिकार लेकर आए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोटिंग का अधिकार दिया और वोटिंग से राजा बन सकते हैं। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी ताकतवर हो, आपके पास कोई आने को तैयार नहीं है, पर ऐसी कौन सी बात है जब चुनाव आता है तो 15 दिन आपके आगे पीछे लगे रहते हैं, आपके पैर पूछते हो कौन सी ताकत है आपके अंदर, वो ताकत है राजा बनाने की ताकत। जब दूसरों को राजा बना सकते हो तो अपने आप को राजा क्यों नहीं बना सकते, सिर्फ सोचने की बात है, आपको जाने की बात है लोगों के पास और बताने की बात है कि जो वोटिंग का अधिकार वैसे ही नहीं मिला, जो दूसरे लोग हैं वो आपको अपनी बेटी को दे सकते हैं मगर वोट नहीं दे सकते हैं, ये प्रैक्टिकल वाली बात है, आपको राजा नहीं बनाएंगे। वो कोर्ट मैरिज होती है, हम रात दिन कराते हैं, आपको पता है अधिकार है, मगर वोट नहीं देंगे, वो आपको राजा नहीं बनाने का काम करेंगे। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, जिस अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, जिस अधिकार के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पत्नी की कुर्बानी दी और सबसे लड़े, वो अधिकार देने के आपको दिया, तो आप तो 85% है, आप तो 85% को जोड़ने का काम कीजिए। अभी हम आपस में ही लड़ रहे हैं कि भैया हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, ये प्यार मोहब्बत का एक मिशन है, ये लोगों को आगे बढ़ाने का मिशन है, कोई भी आपको राजा नहीं बनाना चाहता, केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो आपको राजा बनाना चाहती है, सब आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, कोई आपको राशन देना चाहता है, कोई आपको फ्री सब्जी देना चाहता है, कोई आपको फ्री कोई टिकट देना चाहता है कि भाई आपको टिकट ले लो DTC का, कोई कुछ देना चाहता है, मगर आपको राजा कोई नहीं बनाना चाहता। और लेने वाला कभी भी सम्मान के योग नहीं होता है, देने वाला सम्मान का योग होता है। मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो आपको कहती है कि हम आपको राजा बनाएंगे, राजा बनाएंगे, राजा बनाएंगे, आपको विश्वास ही नहीं होता। जब माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाई तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, लोग कहते थे कि काशीराम नौकरी छोड़कर आ गए, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे, एक भी विधायक नहीं बना पाओगे आप, और मजाक उड़ाया करते थे लोग। जैसे आज आपको कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो गड्ढे में गई है, कभी नहीं आ पाएगी, उससे भी बुरा टाइम था उस समय, आज तो हम नेशनल लेवल की पार्टी है, देश के तीसरे नंबर की पार्टी है, उस समय ऐसा नहीं था, मगर माननीय काशीराम साहब ने जिद कर ली कि नहीं, मैं साबित करूंगा कि परिवर्तन हो सकता है, राजा बन सकता है। तो माननीय काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश के लोगों पर विश्वास किया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने 95 में अपनी सरकार बनाने का काम किया, तो लोगों ने नारा किया, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे माननीय काशीराम साहब पर, जो माननीय काशीराम साहब से बात नहीं करना पसंद करते थे और माननीय काशीराम साहब की आलोचना करते थे, उन लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, उन्होंने नारा दिया, विश्वास हो गया अब उनको कि हाँ बाबा माननीय काशीराम साहब ने सोती हुई कौम को जगा दिया, तो नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, और दूसरा नारा दिया काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोककर, जो पहरेदार थे वो कमजोर हो गए, जो पहरेदार थे वो कमजोर हो गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है, वो घरों में जाकर बैठ गए, वो घरों में जाकर सो गए,
और जब घरों में जाकर सो गए तो हमारा साम्राज्य लुटने की तरफ चला गया। कहते कमजोर, कमजोर कहां से है? कमजोर नहीं है हम किसी भी तरीके से। हम देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, 4 करोड़ से ज्यादा वोट एंड सपोर्ट हमारे पास में है, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास में है, देश के सारे राज्यों में हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी वोट हर राज्य में है, हमारे समर्थन हर राज्य के अंदर है, हम कमजोर कहां से है? ये तो दुश्मन की चाल है आपके मनोबल को गिराने के लिए। ये झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र करते हैं, हमारे लोगों को बहकाने का काम करते हैं। और हमारे लोग भी बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो बहुत जल्दी इनके कहले में आ जाते हैं और अपने लोग ही अपने नेता और पार्टी पर सवाल करते हैं कि कोई बहन जी तो आई नहीं थी, बहन जी तो निकली नहीं, बहन जी तो सड़कों पर नहीं आ रही। मैं उनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब इस देश में सड़क नहीं थी तो बहन कुमारी मायावती सड़कों पर आंदोलन कर रही थी। जब बहन बेटी घर से निकलना एक अजीब बात थी, उस समय बहन जी अपना घर छोड़ा और हमारे लिए संघर्ष कर रही थी, तभी तो हम बोल पाए। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी, देश के किसी भी सूबे में इतना काम नहीं हुआ जितना बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। आप तो मोस्टली उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदार होंगे आपके, कहीं ना कहीं जाते होंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाली सरकार कौन सी है? वो आपकी अपनी सरकार बहुजन समाज पार्टी है, और किसी ने बनाने का काम नहीं किया। मात्र 7 साल में 70 साल का काम करने का बहन कुमारी मायावती ने काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, रोड्स बनाने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, और सबसे बड़ा जो काम किया बहन कुमारी मायावती ने, जो आज तक इस देश में नहीं हुआ, आपके बच्चों को 0 बैलेंस पर एडमिशन देने का काम किया। आपके बच्चे की फीस 1 लाख रुपया हो, आपके बच्चे की फीस 2 लाख रुपया हो, 3 लाख रुपया हो, 4 लाख रुपया हो, सब स्टेट गवर्नमेंट देने का काम करेगी। आपके बच्चे पढ़े, आपके बच्चे IAS बने, आपके बच्चे PCS बने, आपके बच्चे इंजीनियर बने, आपके बच्चे डॉक्टर बने, आपके बच्चे मेरे जैसे वकील बने। धन्य बहन कुमारी मायावती, जो ऐसी सोच आज तो नहीं है। जो मजदूर 500 रुपया कमाता है अपने बच्चे के लिए 1 लाख रुपया फीस कैसे दे सकता है? क्योंकि उनकी सोच नहीं है हमें शिक्षा देने के लिए। अगर हमें शिक्षा देंगे तो हमें बोलना आएगा, और बोलना आएगा तो हम सवाल करेंगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेंगे कि तुमने हमारे अधिकारों को क्यों खाने का काम किया। ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप लोग? 84 से पहले कांग्रेस ने हमारे वोट लिए, मुस्लिम के वोट लिए कांग्रेस ने, हमने सवाल नहीं पूछा आज तक कि हमारे लिए क्या किया इस देश के अंदर, नहीं सवाल पूछा हमने। उसके बाद अन्य पार्टियों ने लिया, दिल्ली में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने हमारा वोट लेने का काम किया, मगर हमने सवाल नहीं पूछा कि जिस मुद्दे पर तुम देश में आए थे, आपने पूरा हंगामा मचा दिया 2012 के अंदर, 2013 के अंदर कि हम देश को करप्शन फ्री कर देंगे। आपके लोग करप्शन के अंदर, जेलों के अंदर है, कोई सवाल नहीं पूछने वाला। क्यों नहीं पूछते सवाल आप लोग? जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक बात बनने वाली है और तुमसे कोई सवाल पूछता है तो आपके चेहरे नीचे आ जाते हैं। नहीं, जवाब देना है आपको कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जो किताब है संविधान, उसमें क्या है? उसमें हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारी आजादी है, उसके अंदर सब कुछ है। उसके अंदर पढ़ के देखिए आप, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सबसे ताकतवर किताब इस देश में अगर कोई है तो संविधान है, जिससे देश चलता है, जिससे देश चलता है। उसको ये बदलना चाहते हैं क्योंकि वो आपको आजादी देती है, आपको बोलने की आजादी देती है, आपको जाने की आजादी देती है, अपने धर्म को मानने की आजादी देती है। वो सारी आजादी आपको देने का काम करती है, आपकी आजादी को वो खत्म करना चाहते हैं। तो आपको आजादी चाहिए, आपको राजा बनना है। मात्र एक पार्टी के लोग आकर आपको चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। वो आपको क्या देखते हैं? वो आपको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करने का काम करते हैं कि 15 दिन आएंगे, आपको लालच देंगे, आपकी सारी वोटों को ले जाएंगे, फिर आपके गले कूचे में, आपके शहर में नहीं आने का, आपके गांव में आने का काम नहीं करते हैं। वो नहीं पूछते हैं आप लोगों से वो कि आप कैसे रह रहे हैं, और एक एक सड़क बनाने के लिए, एक एक सुविधा के लिए आपको 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। जब आपकी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, जब आपकी सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती ने लिस्ट बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों की डॉक्टर अंबेडकर योजना में गांवों का उद्धार करने का काम किया। केवल एक समाज के लिए थोड़ी किया, उस समाज, उस गांव में जितने भी लोग रहते थे सबका सम्मान हुआ, सबको सुविधा मिलने का काम हुआ क्या नहीं हुआ बताइए आप लोग। थाने में आपकी सुनी जाती थी, आप थाने में बताइए, आप सबसे पहले तो आपकी जाति पूछी जाएगी। और एक समाज के लोगों पर बिल्डोजर बनाने का काम जो कह रहे हो, वो पहले नहीं था ऐसा। हमारा और मुस्लिम का हमेशा से भाईचारा रहा है, चाहे वो ज्योतिबा फूले साहब रहे, ज्योतिबा फूले साहब जो है उनको जो
साथ जो हेल्प देने का काम किया वो कितने, फातिमा शेख ने किया, उनके भाई ने किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिताकर यहां लेके आने कौन, मुस्लिम समाज ने किया। और उत्तर प्रदेश में जब गवर्नमेंट बनी तो मुस्लिम समाज ने दिया। तो बाबा मानव काशीराम साहब का है कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम सेम है, अलग नहीं है। वो आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं, तालीम नहीं देना चाहते, और वो हमारे बच्चों को भी तालीम नहीं देना चाहते। वो आप पर जुल्म करना चाहते हैं, वो हम पर भी जुल्म करना चाहते हैं। वो आपको इस देश में लाचार देखना चाहते हैं और हमको भी लाचार देखना चाहते हैं। इसलिए जो कुटे कुटे हैं, पिटे पिटे हैं, उनको एक साथ हो जाना चाहिए। अगर हम देश में एक साथ हो गए, 20% हम है देश के अंदर, 20 से ज्यादा, और 20% आप लोग हैं, अगर 40% एक साथ आ जाए, ना 85% आए, तो देश के हर मौके पर हमारी सरकार बनने का काम करेगी। दिल्ली में कौन देता है, दिल्ली की सरकार को कौन वोट दे रहा है, हम लोग वोट दे रहे हैं। 14.6% वोट तक कहां गया हमारा, सब बुद्धिजीव चले गए सारे कि हम तो कुछ कर नहीं रहे। अरे अपनी सरकार बनाओ, कब तक जिताते रहोगे दूसरे लोगों को, कब तक दूसरे लोगों को राजा बनाते रहोगे। आपने आज तक राजा ही तो बनाया, अपने आप भी राजा बन जाओ, अपने आप भी तो राजा बनकर देखो एक बार कितना मजा आता है। अगर दिल्ली के तुम राजा बन गए तो दिल्ली में पूरे देश में 3 खजाने हैं। पहला खजाना प्रधानमंत्री के पास है, तुम्हारा कोई हिस्सा है उसमें बताइए, कोई हिस्सा है आपका? दूसरा जो खजाना है वो मुख्यमंत्रियों के पास रहता है। देश के किसी भी राज्य में आपका कोई मुख्यमंत्री है आपकी विचारधारा का, नहीं है, आपका उस खजाने में भी कोई हिस्सा नहीं है। और तीसरा जो खजाना है वो मेयरों के पास होता है, आपका तो मेयर भी नहीं है। जब आपके पास खजाने की चाबी नहीं है, आप हिस्सेदार ही नहीं है, तो आपके बारे में क्यों सोचेंगे वो? तो वो आपको गरीब बनाए रखेंगे, आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है उनको, कोई भी लेना देना नहीं है उनको। तो G20 कराना है, 4200 करोड़ रुपया खर्च करना है, और आपका मजाक उड़ाना है, आपकी बस्तियों पर वो पर्दा लगाना है। आपको समझ नहीं आता है कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जहां जहां भी गरीब है उनको ढक दो, वो गरीबी दूर नहीं करना चाहते, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपके आने वाली औलादों का मजाक उड़ाएंगे, और आने वाली औलादों को वो फिर दोबारा गुलाम बनाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने इस देश में 800 साल राज किया, मुस्लिम समाज ने 800 साल राज किया, आज उसकी हालत क्या है कि मात्र बीजेपी के डर से वो दूसरे लोगों को जिताने का काम करता है। दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल को जिताने का काम करता है, उत्तर प्रदेश में हराने के लिए वो सपा को सपोर्ट कर देता है, पश्चिम बंगाल में किसी को हराने के लिए वो ममता को सपोर्ट कर देता है, मतलब अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट कर देता है। ये आपके विचारधारा की पार्टी नहीं है, ये आपके मुद्दों को नहीं उठाती है। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने, जिनको मुस्लिम समाज वोट देता ज्यादा तादाद में, जब नेता गए, आजम खान जेल में गए, तो किसने आवाज उठाई? बहन कुमारी मायावती ने आवाज उठाने का काम किया, उन्होंने शुक्रिया किया कि हाँ बहन जी ने मेरी आवाज उठाने का काम किया था। हम दिल से मोहब्बत करते हैं क्योंकि पीड़ा हमने झेली है, पीड़ा हमने झेली है, इस देश के अंदर हमारे लोगों ने पीड़ा झेलने का काम किया है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, दिल से काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। अगर राजा हमको बनना है तो हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेहनत कोई और करे और राजा आप बन जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बीमार आप हो तो दवाई भी आपको खानी पड़ेगी, कोई और दवाई खा ले और ठीक आप हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास ज्यादा घंटे नहीं है। 24 घंटा मेरे भी पास है, माननीय के भी पास 24 घंटे हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। नेचर प्रकृति ने किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है, वो 24 घंटे में पूरे देश को चलाने का काम करते हैं। हम 24 घंटे में अपने आप को भी नहीं चला पाते हैं, तो 24 घंटे को कैलकुलेट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा समय आप समाज में देने का काम कीजिए, भाईचारा पैदा कीजिए। और भाईचारा जब पैदा हो जाएगा तो आपके विचार के लोग मिलने लगेंगे, और आपके विचार के लोग मिल जाएंगे। जिले में 48 लोग तैयार करने थे, 8 लोग जिले में तैयार करने हैं, हर विधानसभा में 8 अपने नेता तैयार करने हैं, 48 नेता तैयार करने थे जो लीडर हो, जिनकी बात मानी जाए, जो समाज में जाए, तो बहन कुमारी मायावती के विचार को, पार्टी के विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करें, ऐसे लोग तैयार करने थे। क्या हम तैयार कर पाए? नहीं तैयार कर पा रहे हैं, हम उदास बैठे हैं। उदास नहीं बैठना, उदासी से, कमजोरी से कोई मिशन नहीं पूरा होता है, कोई जंग नहीं जीती जाती है। अगर खिलाड़ी पहले ही मान ले कि मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, क्या खेलेगा वो? आप बताइए, कभी नहीं खेलेगा वो, कभी नहीं जीत सकता वो। इसलिए हमें जीत की तरफ नजर रखना है। और मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास वैसे ही नहीं है, मेरा विश्वास है सूरज निकलेगा, आप देखना, सत्ता परिवर्तन होगा,
और सत्ता परिवर्तन होने के बाद बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, आपके सारे दुख दूरों को दूर करने का काम करेगी। हम वैसे ही पूरे देश में जा जाकर चिल्ला रहे हैं, बहुत लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं, बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। केवल एक चिंगारी की जरूरत है। जिस दिन भी बहन कुमारी मायावती ने एक चिंगारी लगाने का काम किया, देश के अंदर पूरा समाज बदलने का काम करेगा। बहन कुमारी मायावती नहीं चाहती कि हम सड़कों पर आए, क्योंकि उनको पता है कि विरोधी जो पार्टी है वो नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। 2 अप्रैल आपने देखा होगा, 2 अप्रैल में पूरा समाज, पूरा देश का समाज सड़कों पर था, मगर उसमें नुकसान हुआ हमको, 13 बच्चों को शहादत देनी पड़ी, लाखों बच्चों पर FIR हुई, आज भी केस चल रहे हैं, उनकी नौकरी तक नहीं लगने का काम किया। तो बहन जी अपने अपने लोगों से, अपने समाज से, अपने शुभचिंतकों से, अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से मोहब्बत करती है, वो किसी में किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। बहन जी वोटिंग के आधार पर इस देश में राज करना चाहती है। जब 5 साल के बाद वोटिंग आती है तो हमें अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर हम अपनी वोटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वोट और बेटी इज्जतदार व्यक्ति को दी जाती है, वोट और बेटी इज्जतदार व्यक्ति को दी जाती है, इसलिए वोट को रखाना है, पहरेदार बनना है आपको। अगर आपने वोट को रखाने का काम किया, काम बन जाएगा। हम सब कुछ रखा रहे हैं, सब कुछ रखाने का काम कर रहे हैं, मगर वोट को रखाने का काम नहीं कर रहे हैं। जब वोट आपकी चोरी होती रहेगी, वोट को लूटते रहेंगे, वोट को बहका कर ले जाते रहेंगे, वोट को सपने दिखाकर आपको लेते रहेंगे, और आपको छोटी छोटी चीज देने का लालच देकर वोट को लेते रहेंगे, तो फिर आपका राजा बनने वाला नहीं है। उसको रोकना पड़ेगा आपको, वो कैडर से रुकेगा। आपको अपने लोग अपने तरीका से तैयार करने हैं। जो लोग तैयार हैं, कुछ भी हो जाए उनको कुछ भी लालच दे दीजिए। अब यहाँ किशोरी श्याम जी बैठे हुए हैं, यहाँ और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये कितने लंबे समय से उधर बैठे हैं, रमेश जी बैठे हैं, कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या इनको कोई खरीद सकता है क्या? इधर बैठे हैं प्रचार करने वाले, देखिए झंडा लेकर कहां से देवली से कहां कहां तक जाते हैं, सारे लोग बैठे हैं, आपको कोई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता आपको, मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है ऐसा। कोई भी आ जाए, धन्ना सेठ आ जाए, बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, मगर आपको नहीं खरीद सकता है। ऐसे ही आप जैसे लोग अपने आप को बनाना है, और दूसरे लोगों को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ये मोटिवेशन का सवाल है। जैसे हम मोटिवेट हैं, लोग दूसरे लोगों को मोटिवेशन देना है आपको, और कहीं हम भूल ना जाए। हमें भूलना नहीं है शहादत उनकी, जिन्होंने हमारे लिए काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोट जो पहन रखे है ना, वैसे थोड़ी आ गए कोट, ये कोटों के लिए किसी ने बहुत शहादत देने का काम किया। पानी जो पीते हैं बिस्लरी की बोतल, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन करने का काम किया है। ये पढ़ाई वैसी थोड़ी कर ली हमने। अरे हम तो शब्द भी सुन लेते थे, कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था, उच्चारण करके जीभ काट दी जाती थी, ये शास्त्र बोलते हैं, वैसे थोड़ी हम पढ़े हैं। ये कुर्बानी के बाद आया है, ये कुर्बानी जाए ना जाए तो हम भूल ना जाए उनकी कुर्बानी। इसलिए हमें काम करना है, और अपने बच्चों का अपना मान सम्मान सुरक्षित रखना है आप लोगों को, तो आपको सत्ता की तरफ सोचना पड़ेगा, आपको राजनीति की तरफ सोचना पड़ेगा। राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, लोग राजनीति की बात ही नहीं करना चाहते, घरों में राजनीति की चर्चा ही नहीं करना चाहते। सब चर्चा कर लेंगे, सारी चर्चा करेंगे, मगर राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे। और कहीं कहीं तो जो धार्मिक हमारे वो हैं, स्थान है, वहां तो ये भी बोल देते हैं कि सब कुछ काम किया, राजनीति की बात मत करना भैया। और वैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो पूरे जीवन राजनीति करी, माननीय काशीराम साहब ने तो पूरे जीवन राजनीति करके स्थापित करने का काम किया, बहन कुमारी मायावती राजनीति कर रही है और हम लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आपके उद्धार करेगी, राजनीति तो सारे तालों के जो लगे हुए हैं आपके खजानों पर, आपकी समस्याओं का जो ताला है वो सब वही खोलेगी, राजनीति खोलेगी, मगर राजनीति की बात नहीं करें। तो मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि राजनीति अगर बुरी होती, लोगों ने बनाया है कि भैया खान साहब राजनीति में जाओ, अपना धंधा करो, क्यों राजनीति में जा रहे हो? खान साहब कह रहे हैं नहीं नहीं भैया, मुझे पता है राजनीति से कहां पहुंचते हैं, मैं जानता हूं। अब उनसे कह रहे हैं तुम अपना काम करो, काहे को राजनीति में पड़ रहे हो? तो उनको पता है भैया, जितना तुझे भी नहीं पता जितना मुझे पता है, अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो जिनकी दादी को 30 गोली मारी गई, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, उनको तो घर बैठ जाना चाहिए था, या अपनी ननसाल में जाके कोई बिजनेस करना चाहिए था, मगर उनको जिद है राहुल गांधी को, अगर बनना है तो प्रधानमंत्री बनना है, उससे नीचे मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो जो भगवान से मिलने वाले थे योगी आदित्यनाथ, भाई बचपन में ही आ गए थे भगवान के पास में, शादी भी नहीं करी, कुछ नहीं करा, और कुछ दिन के बाद भगवान से मिल ही जाते, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं मिलना भगवान भगवान से, भैया मैं तो सीएम बनूंगा उत्तर प्रदेश का, वो सीएम बन के बैठ गए। अगर राजनीति इतनी बुरी होती तो वो लोग तो साधु भी राजनीति में आ रहे हैं, और हम लोग राजनीति को समझ नहीं रहे। उनको पता है कि राजनीति से सारे दरवाजे खुले जाते हैं, राजनीति से हर चीज होती है, और उनके पास राजनीतिक ताकत है, जब भी तो बुलडोजर चलाने का काम करते हैं।
जब तो वो एनकाउंटर करने का काम करते हैं, जब तो वो हर चीज जो उनके मन में है वो करने का काम करते हैं। हमें संघर्ष करना पड़ा एक चीज के लिए, हमें संघर्ष करना पड़ा रिजर्वेशन के लिए, आपने देखा होगा। उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, 4 दिन के अंदर 10% रिजर्वेशन, सब कुछ मिल जाता है। और अब तो कल मान्यवर बता रहे थे कि वेद पढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया गया कि वेद पढ़ाओ, साइंस मत पढ़ाओ, ये सब मत पढ़ाओ, लोगों को अवेयर मत करो या भाईचारा पैदा मत करो। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि देश में समाज कैसे अच्छा होगा, आदर्श समाज कौन सा होगा, आदर्श समाज के लिए 4 चीज बहुत जरूरी है। कोई भी आदर्श समाज के लिए, उस समाज में न्याय होना चाहिए, इंसान इंसान होता है, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, इंसान तो इंसान ही होता है ना। सबका ब्लड एक दूसरे के लिए काम आएगा नहीं आएगा बताइए आप लोग। अगर अल्लाह भगवान भाई गुरु जो भी है अगर वो कोई अंतर करते तो ब्लड का भी अंतर करते, फिर सबके ब्लड सबके काम में क्यों आ जाता है। तो न्याय होना चाहिए, समाज के अंदर समता होनी चाहिए, समाज के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, और समाज के अंदर बंधुता भाईचारा होना चाहिए। और जिस समाज के अंदर ये नहीं है उस समाज का काम नहीं है। बाबा साहब ऐसे ही जानते थे। और ये क्या चाह रहे भैया, न्याय नहीं देंगे आपको, मूछों के नाम पे मारेंगे, न्याय नहीं देंगे, फिर आपकी FIR भी नहीं करेंगे, आपको गाय के नाम पर मारेंगे मगर आपको न्याय नहीं देंगे, आपका बुलडोजर चलाएंगे मगर आपको न्याय नहीं देंगे। समता की तो बात छोड़िए ही, कोई समता नहीं है समाज के अंदर, स्वतंत्रता तो छोड़ दीजिए। आज डर लगता है जब ट्रेन के अंदर एक मनुवादी विचारधारा का आदमी, जिसको हमारी सुरक्षा का जुम्मा दिया गया है, जब वो नाम देख देख कर सिकल देख देख कर गोली मार सकता है, तो फिर काई की स्वतंत्रता रही है। और भाईचारे की तो इन्होंने भाई भाई खा गए, चारा चारा छोड़ दिया, चारे भाई को चारा बना लिया, भाईचारा प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। भाई प्रधानमंत्री जब इस देश के शमशान घाट मुर्दा घाट की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, करते नहीं करते, जब वो उनके लोग दिल्ली में जहां पे आपने कनॉट प्लेस है वहां पर रैली निकालते हैं, और वहां पर एक संप्रदाय के खिलाफ क्या बात बोलते हैं। अभी पार्लियामेंट में एक संप्रदाय के खिलाफ क्या बोला, तो काय का भाईचारा बनाना चाहते हैं। और ऊपर के जो लोग हैं जो देश को चला रहे हैं वो चुप रहते हैं, तो उसमें मौन स्वीकृति है। कहीं ना कहीं जब चुप कोई आदमी रहता है तो कहीं ना कहीं उसका इशारा होता है, तो भाईचारा भी खत्म कर रहे हैं। तो वो संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं और हम संविधान के साथ में काम कर रहे हैं। हम इस देश में संविधान को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है कि जो काम ऊपर से आता है, जो काम प्रदेश से आता है, उसको समय में पूरा किया जाए। ये एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, केवल सरदार जी की जिम्मेदारी नहीं है, केवल अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी नहीं है, केवल किशोरी शाम जी की जिम्मेदारी नहीं है, रमेश जी, आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप सब लोग उस मिशन को समझ चुके हैं, आप सब लोग जागरूक हो चुके हैं, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा आप काम करें।